साथ और नई रेसिपीज के साथ। आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा है और पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा ही हौच पौच वाला है। दीपावली की सफाई चल रही थी, कुछ बनना भी था, कुछ खाना भी था, तो मैं अपनी माँ की याद आई, वो इस तरह से पकौड़ी की सब्जी बनाती थी। और उसके लिए हमने जो मसाला तैयार किया है, तो बेसिक मसाला तैयार करके हमने उसकी मास्टर ग्रेवी बना दी। और वो मास्टर ग्रेवी आपको त्योहारों पे या पार्टी से पहले बना के रख लीजिए, और बेसिक है और वो आपका समय और एनर्जी दोनों बचाएगा। और उसी मसाले से मैंने अपनी भी रेसिपी बनाई है। तो चलिए चलते हैं नीता की रसोई में और बनाते हैं आज की रेसिपी। देखिए उस रेसिपी का क्या नाम है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही पारंपरिक लौकी की पकौड़ी की तरी वाली। तो चलिए बनाते हैं मास्टर ग्रेवी। और ये हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों से बना रहे हैं, और ये मसाला ऐसा है कि आप इसको बनाकर रख सकते हैं घर में। अब जैसे त्यौहार आने वाला है दिवाली का, तो इसको आप मसाला पहले से ही बनाकर भून के फ्रिज में रख लीजिए। आराम से इसको आप एक हफ्ता 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और कोई भी आपको रेसिपी बनानी है, अपना डिश बनानी है, पनीर है, कोफ्ते हैं, या जो भी इस तरीके की डिशेज बनाती है, तो उसमें ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसमें है ये प्याज कटा हुआ, लहसुन है, और कुछ के अदरक के टुकड़े मैंने डाले हैं। आपको अकॉर्डिंग योर टेस्ट आप अपना ये ले सकते हैं, और कितनी आपको क्वांटिटी चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा डालने जा रही हूँ जीरा, ये सबके पास घर में होगा ही होगा। ये है कुछ लाल मिर्चा, अकॉर्डिंग योर टेस्ट रहेगा ये भी। और ये कुछ खड़े गर्म मसाले हैं, जो भी आपके पास है आप वो डाल लीजिएगा। ये लौंग डाली है मैंने, खड़ी इलायची है मेरे पास, ये छोटी इलायची, काली मिर्च, जावित्री, और ये जायफल को मैंने क्रश करके रखा हुआ है। चक्री आपके पास हो आप चक्री डाल लीजिए। और मैंने इसको ये जायफल को अच्छे से हम इसको क्रश करके ये भी देखिए जायफल को इसमें डाल देंगे, तो जायफल का बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। थोड़ा सा इसमें हमने पहले से ही डाला हुआ है तेज पत्ता, और तेज पत्ता हम थोड़ा सा भूनने में भी डालेंगे। और सबसे बात ये है कि आपके पास जो भी गर्म मसाले हैं वो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसके स्किप कर सकते हैं, वो आप सब्जी बनाने में बाद में एड ऑन कर सकते हैं। और इसको जो टेस्ट देगा ये है मेरे पास पॉपी सीड है, इसको मैंने साफ करके पहले से ही रखा हुआ है, या इसको पोस्ता दाना कहते हैं। ये इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे। और ये मैंने काजू रखा है, 1 या 2 काजू आप डाल सकते हैं। बादाम को आप चाहें तो छील के भी डाल सकते हैं, और चाहें इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। ये ऐसे डाल दिए हम इसमें काजू, और ये कुछ बादाम, ये भी सब आपके ऑप्शनल हैं, अगर है तो जरूर डालिएगा, इससे सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। और इसको अब हम इसका बनाते हैं हम पेस्ट, और इसी पेस्ट से ये जो पेस्ट बना के रखा है इसको मैं भून के रख लूंगी, और इसी आज मैं जो पेस्ट है इससे मैं ग्रेवी बनाऊंगी, और उसी ग्रेवी में मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ। और वो जो रेसिपी है ना, आज वो टाइम नहीं था, सब दिवाली की सफाई ये वो काम, तो वो रेसिपी मैंने बनाऊंगी वो आज राइस के साथ खाऊंगी। लेकिन वो रेसिपी बहुत पुरानी है, आपने बहुत बार बनाई होगी उसको, और त्योहार आने वाले हैं उसमें भी बना सकते हैं। तो जब तक हम मसाला भूनेंगे, और अब करते हैं उस रेसिपी की तैयारी। इसमें हमने सबसे पहले डाला तेज पत्ता, और ये जो मसाला हमने पीस के रखा था वो इसमें हम डाल देंगे। इसको अच्छे से भून लीजिएगा, और भून के थोड़ा ठंडा होने पर आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में इसको बंद करके 8 से 10 दिन आराम से इसको चला सकते हैं। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, तब तक हम उसकी जो मेन अपनी रेसिपी है वो बनाने जा रहे हैं। सर बेसन को हम लेंगे अच्छे से पहले छान, बेसन जरूर छानिएगा कोई भी रेसिपी बनाने से पहले, क्योंकि एक तो वो फ्लफी हो जाता है, उसके जो भी कुछ थोड़ा सा भी कचरा या कुछ होगा तो वो उसमें से निकल जाएगा। तो हम बेसन छान लेंगे, और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। आप मिर्चा ऐड करना चाहें तो करिए, और नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्चा, कलर के लिए हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और बहुत थोड़ा सा चुटकी रहेंगे गरम मसाला। इसको किया हमने अच्छे से ऐड आपस में, और इसमें मैंने ये पहले से ही लौकी कस के रखी हुई थी, धो के लौकी छील के और फिर दोबारा धोया था, और उसको मैंने कस के रख लिया है। और इसका पानी हमने किया अलग, इसको और अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। ये लौकी कच्ची है, मैंने उबली लौकी नहीं ली है,
और ये इसमें हम लगा देंगे लौकी को, थोड़ी थोड़ी लौकी बनाएंगे और पानी इसका बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, ये पानी हम इसके रसे में भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग डाल दी है इसमें से, इसको और टेस्ट को इन्हेंस करेगी। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन और ऐड किया है और इसको हम हाथ से हल्के से फ्लेटेंगे, देखिए इस तरह से, ताकि ये मुलायम बनेंगे। और इसको हम कोफ्ता कह सकते हैं, पर मैं तो इसको पकौड़ी की शेप में बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और इसमें कच्ची होने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस हम इसको 2 मिनट तक इसको रख देंगे, रेस्ट करने देंगे। और चाहे तो इसमें आप हरी धनिया और ऐड कर सकते हैं। और मैं गैस मेरी ऑन है, हम मीडियम फ्लेम पे इसको सेकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा तेल तैयार है। तो हमेशा आप कोई भी चीज़ तलने से पहले इसको इस तरह से चेक कर लिया कीजिए, लगभग रेडी है। और ये हम इसको बिल्कुल गोल गोल पकौड़ियों की तरह से तलने वाले हैं, हमारी गैस रहेगी मीडियम पे। और इधर हमारा बन रहा है मसाला, और लोहे की कढ़ाई में हमने बनाया है तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। और इधर हमारे बन रहे हैं ये पकौड़ियाँ, जो हम इस सब इसको मसाले में डालकर तैयार करने वाले हैं। देखते हैं क्या ये तैयार हो गई हैं और कैसी हैं। हाँ, बहुत सॉफ्ट हैं, संभल के बनाइएगा, देखिएगा। और अभी इसको हम धीमी गैस पर थोड़ी देर और तलेंगे, ताकि ये अंदर तक बिल्कुल सिक जाए। इसको हम हमको ग्रेवी के लिए जितना चाहिए हम कढ़ाई में छोड़ देंगे, और बाकी हम इसको एक कांच के बोल में निकाल कर ठंडा होने रख देंगे। और फिर और ये हमारी देखिए मास्टर ग्रेवी तैयार है। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम फ्रिज में रख देंगे, जिसको हम आराम से 8-10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं रखती हूँ साइड में। अब मुझे इसके लिए जो ग्रेवी चाहिए वो इसमें मैं मसाले थोड़े ऐड ऑन करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी ये पकौड़ियाँ निकाल कर यहाँ रख लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इनका गोल्डन कलर आया। अब इसी बची हुई कढ़ाई में हम और मसाले ऐड ऑन करेंगे, जो हमारी ये ग्रेवी वाली सब्जी को तैयार करेगा। इसको रखते हैं इस साइड में, थोड़ा सा इसमें नमक, हल्दी, जो बेसिक मसाले हैं, लाल मिर्चा, धनिया पाउडर, और मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर पिसा हुआ, ये टमाटर भी इसमें हमने डाल दिया। लेकिन जो हम ग्रेवी स्टोर करेंगे उसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे, क्योंकि टमाटर उसको 6 दिनों तक स्टोर करने में ख़राब होने की उसकी गुंजाइश होती है। लेकिन जब आप अभी सब्जी बना रहे तब कुछ भी डालिए। और ये इसमें थोड़ा सा डालती हूँ मैं पानी, इसका करूँगी वेट थोड़ा भुनने तक, जैसे ये तेल छोड़ेगा ये रेडी हो जाएगा बस। अब हम इसमें पकौड़ियाँ डालकर अपना राइस के साथ सर्व करेंगे। अब देखिए मसाला हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है, इसमें तेल दिख रहा है। आप चाहें तो इसको 2 मिनट और भून सकती हैं, लेकिन ज़्यादा भूनने से ही ओवर कुक हो जाएगा। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा, अगर आप ड्राई बनाना चाहते हैं तो पानी की ज़रूरत नहीं, आप डालिए ड्राई बनाइए और उसको सर्व कर दीजिए। आप कहिए तो मैं आप चाहें तो मैं दोनों तरीके की बना के दिखा सकती हूँ। ये हम इस तरह से अगर डालेंगे तो ये ड्राई हमारे तैयार हो जाएंगे। ये भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसको हम आपको सर्व करके भी दिखा सकते हैं। ड्राई हमारे स्नैक्स के या इस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में ये स्नैक्स के साथ, पार्टी स्नैक्स भी हो सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ड्राई हमारे, हम कोफ्ते कहें या हम इतनी लौकी की पकौड़ी की सब्जी कहें, ये देखिए ये हमारे ड्राई हैं। और इसी में अगर हमें तरी बनानी है तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इससे हमारे कोफ्ते ख़राब हो जाएंगे। तो हल्का सा बस हम इसमें डालेंगे पानी, और जब ये पानी खौलने लगेगा तो हम इसमें कोफ्ते डाल के और 2 मिनट के बाद इसको ढक के रख देंगे, और हमारे कोफ्ते ये तैयार हो जाएंगे। अब हमने इसको डाल के ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये घुल जाएंगे। और देखिए मुलायम, ये मैं छू के दिखाती हूँ, गर्म है हालांकि ये, तो ये देखिए इतना मुलायम है ये छू के, ये देखिए
चम्मच से जरा ये देखिए, चम्मच से छू के दिखाती हूँ जरा, ये कितना सॉफ्ट भी है, आराम से बन गया है। और इसको हम अभी सर्व कर देंगे, क्योंकि रसे में भी थोड़ा सा जब ये रहेगा तो ये इसका रसा सोख लेगा और थोड़ा सा ये सॉफ्ट रखने के बाद और होगा। और इसको हम डोंगे में निकाल लेंगे। ये हमने डाल दिया इसमें हरा धनिया। और आज की मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन है बहुत यूज़फुल, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ये हमारी मास्टर ग्रेवी का बेसिक मसाला तैयार है इसी मसाले से, और इसी जो पूरा हमारा मटेरियल था लौकी का और बेसन के जो पकौड़ियाँ बनाई थी, हमने उससे ड्राई भी बना ली और हमने उससे रसे की भी बना ली। आप स्नैक्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप मेन कोर्स में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये टिप्स, मेरी रेसिपीज, अनप्लान सब इधर उधर, यकीन है मुझे अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।